मित्रों, रसायन के अध्ययन में हम लोग क्लास 12 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जिक्र करेंगे। और यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे पृष्ठ रसायन के बारे में। कई बार हमने देखा है मित्रों, बोर्ड परीक्षाओं में पृष्ठ रसायन के बारे में ही पूछ लेता है। पृष्ठ रसायन से आप क्या समझते हैं, पृष्ठ रसायन पर टिप्पणी दीजिए। इन्हीं से प्रश्न मित्रों ज़्यादातर क्वेश्चन बन जाते हैं। तो पृष्ठ रसायन है क्या? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ठोस एवं द्रव या अन्य पृष्ठ की सतह पर होने वाले प्रक्रमों का अध्ययन किया जाता है, उसे पृष्ठ रसायन कहते हैं। हमने कहा मित्रों, आप देखे होंगे प्रकृति में बहुत से पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी सतह पर, ठोस या द्रव की सतह पर होने वाले प्रक्रमों का हम लोग अध्ययन करते हैं। जैसे आप देखते हैं दीवार पर पेंटिंग करना, व्हाइट बोर्ड पर मार्कर का चलना, ब्लैक बोर्ड पर लिखना, स्याही ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखना, तो ये सब मित्रों आप देखते होंगे किसी न किसी पृष्ठ की सतह पर यह घटना घटती है। अच्छा, इस चीज़ को हम लोग समझें कैसे। जैसे आप देखे होंगे जब टीचर मित्रों व्हाइट बोर्ड पर मार्कर से लिखता है, तो बोर्ड की जो सतह है उस पर मार्कर के जो मालिक्यूल्स हैं, स्याही के जो कण है, उससे चिपक जाते हैं। तो ये जो है पृष्ठ रसायन के अंतर्गत आता है ऐसी क्रियाएं। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट इसी में क्या कह रहा है, अधिशोषण कामा उत्प्रेरण, कोलाइडी विलयन का निर्माण, धातुओं की सतह का संक्षारण इत्यादि पृष्ठ रसायन के अंतर्गत आते हैं। अधिशोषण उत्प्रेरण, कोलाइडी विलयन का निर्माण, धातुओं की सतह का संक्षारण इत्यादि पृष्ठ रसायन के अंतर्गत आते हैं। फिर आता है मित्रों, ये सब क्रियाएं कहीं न कहीं किसी पदार्थ की सतह पर होती हैं। आप देख पा रहे हैं मित्रों, ये सब ऐसी क्रियाएं हैं जो कहीं न कहीं किसी पदार्थ की सतह पर ही होती हैं। ऐसे आप बहुत से देखे भी होंगे। अब यहाँ पर थोड़ा हम आपको अधिशोषण संबंधित बातें बता दे रहे हैं जो किसी पृष्ठ रसायन के अंतर्गत आता है। मित्रों, यदि आप इसे समझ गए तो आप समझ गए पृष्ठ रसायन को, आप जान जाएंगे। अधिशोषण एड्सॉर्प्शन है क्या? किसी पदार्थ ठोस या द्रव की सतह पर अणुओं एवं कणों का आकर्षित होना अधिशोषण कहलाता है। किसी पदार्थ, पदार्थ में ठोस या द्रव भी आ सकता है, किसी पदार्थ ठोस या द्रव की सतह पर अणुओं एवं कणों का आकर्षित होना अधिशोषण कहलाता है। आप देखते होंगे मित्रों, जब ब्लैक बोर्ड पर टीचर चौक से जब लिखता है, तो चौक के जो कण होते हैं मित्रों, आप देखते होंगे ब्लैक बोर्ड की सतह पर चिपक जाते हैं। तो ब्लैक बोर्ड क्या करता है, ब्लैक बोर्ड मित्रों जो चाक के कणों को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है। जिस पदार्थ की सतह पर यह क्रिया होती है उसे अधिशोषक कहते हैं, तथा ठोस पदार्थ अधिशोषक पर आकर्षित होते हैं। जो पदार्थ अधिशोषक पर आकर्षित होते हैं उसे अधिशोष या अधिशोषित पदार्थ कहते हैं। अब यहाँ पर आप ध्यान दें क्या है, सक्रिय चारकोल के द्वारा NH3SO2Cl2COCl2 इत्यादि का अधिशोषण। मित्रों, जो सक्रिय चारकोल होता है वो आप देखते होंगे अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड गैस और Cl2COCl2 इत्यादि गैसों का बहुत अच्छा अधिशोषक होता है। यानी ये इन कणों को क्या करता है, आकर्षित करता है। जैसे आप देख पा रहे हैं ये जो है अधिशोषक है, इन पर अधिशोष के कण क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए मित्रों, सक्रिय चारकोल के द्वारा शर्करा विलयन का विरंजीकरण, या नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं सिलिका जल के द्वारा जलवाष्प का अधिशोषण। आप देखते होंगे मार्केट से जब आप कोई भी ऑनलाइन या ऑफलाइन आप चीज़ें मंगवाते हैं, तो वहाँ पे आप देखे होंगे उसके अंदर एक पुड़िया रखी होती है सफ़ेद कलर की, उसमें सिलिका जेल होता है मित्रों, वाष्प का बहुत अच्छा वो अधिशोषक होता है। और यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।